हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं हूं बच्चों प्रज्वल सिंह, आपका केमिस्ट्री मेंटर। बच्चों, यहां पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो क्या देखेंगे बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की बच्चों हो सकती है? तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले बच्चों आपकी संयोजन अभिक्रिया। क्या बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। और दूसरी क्या हो सकती है बच्चा? संयोजन मतलब क्या होता है बच्चा? जुड़ना होता है। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना है। जब दो पदार्थ जुड़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और संयोजन का उल्टा बच्चा क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया। क्या बच्चा? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और तीसरा बच्चा क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट बच्चा क्या होता है आपका? रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। क्या बच्चा? ऑक्सीकरण तथा अपचयन आक्सीकरता अपचयन अभिक्रिया, जिसको बच्चा हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, बच्चा हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम आपका? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं बच्चा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है बच्चा? चार प्रकार की। संयोजन, दूसरा बच्चा वियोजन और तीसरा बच्चा विस्थापन और चौथा बच्चा क्या होती है आपकी? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो वन बाय वन बच्चा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका चर्चा करेंगे। आओ देखें। तो सबसे पहले बच्चा आपकी हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब बच्चा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में और हम जाने। आप ध्यान दीजिए, संयोजन का मतलब क्या बच्चों? अगर आप बात करेंगे कि संयोजन, तो संयोजन मतलब योजन मतलब बच्चा जुड़ना। संयोजन मतलब बच्चा क्या होता है आपका? जुड़ना। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बना दे। क्या बच्चा? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े और जुड़ करके एक पदार्थ बना दे उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो हमने क्या कहा आपसे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना दें, एक नया पदार्थ बना देते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया
तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई आपको संयोजन अभिक्रिया क्या है? कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े और जुड़कर के कोई एक नया पदार्थ बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें बच्चा, जैसे जैसे अच्छा कार्बन किससे अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से, किससे बच्चा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्या होता है बच्चा आपकी गैस होती है। तो देखिए यहाँ पर दो पदार्थ है, एक कार्बन है और एक क्या आपका ऑक्सीजन है। अब जब ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे बच्चा, क्रिया करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो आपको पता है कि सदैव ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बच्चा क्या होती है आपकी गैस होती है। तो ये क्या बच्चा एक रासायनिक अभिक्रिया है। और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बच्चा, इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया है। तो आप देखिए दूसरी हेडिंग क्या आपकी, वियोजन। वियोजन मतलब क्या होता है बच्चा, ब्रेक होना, टूटना। वियोजन मतलब क्या होता है बच्चा, टूटना, ब्रेक होना। तो यहां हम लिखेंगे वियोजन, वियोजन मतलब क्या होता है बच्चा, टूटना। अब ये टूटना कब होगा बच्चों, ये आओ हम समझे। अब ये है क्या, देखिए जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड ही है, अगर यदि कार्बन डाइऑक्साइड आपका ब्रेक हो जाए किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन में, तो इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे बच्चा आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चा हीट करेंगे तो किसमें ब्रेक होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बच्चा, और किसमें ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी बच्चा क्या है आपका, एक वियोजन अभिक्रिया है। बच्चा सबसे पहले हमने क्या देखा, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करेंगे तो किसमें ब्रेक होगा, कार्बन में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया है। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3 लिया बच्चा, क्या लिया हमने CaCO3, देखिए यहाँ पर CaCO3, तो यहाँ बच्चा क्या दिख रहा है आपको, कैल्शियम, और एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन लेकर निकला तो क्या हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बच्चा बनेगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी कैल्शियम ऑक्साइड हमने क्या मिला दिया, अगर जल मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन बच्चा अभी तो हमने जल नहीं मिलाया तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या बच्चा, CO2। तो ये क्या बच्चा, देख कोई पदार्थ दो भागों में बच्चा क्या होगा आपका, टूट गया, ब्रेक हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे आपका, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और वियोजन बच्चा किन्हीं बाह्य कारकों के कारण होता है, किसी बाह्य कारक के कारण होता है। तो किन किन बाह्य कारक हो सकते हैं बच्चा, अब वियोजन अभिक्रिया कब होती बच्ची, सारा खेल लिख के दे बच्चा बच्ची, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कब होती है, तो बाह्य कारक के कारण होगा गाइस, बाह्य कारक। अब बाह्य कारक क्या हो सकते हैं, तो बाह्य कारक आपको क्या हो सकता है, ताप हो सकता है, क्या सकता है, ताप हो सकता है बच्चा, और आपका अगर हम बात करें बाह्य कारक की, तो बाह्य कारक आपकी NCERT हिसाब से अगर हम देखें तो उष्मा, दूसरा बच्चा क्या हो सकता है प्रकाश, और तीसरा क्या हो सकता है बच्चा विद्युत। तो बाह्य कारक बच्चा तीन बाह्य कारक आपके NCERT में डिस्कस्ड किया है, क्या क्या, उष्मा, प्रकाश और विद्युत। अगर आपका उष्मा के कारण हो कोई अपघटन तो उसको हम क्या कहेंगे, उष्मीय अपघटन। अगर उष्मा के कारण होगा तो हम क्या कहेंगे बच्चा, उष्मीय अपघटन। अगर आपको उष्मा के कारण हुआ बच्चा तो उसे हम क्या कहेंगे, उष्मीय अपघटन। अगर प्रकाश के कारण होगा बच्चा तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। और ये विद्युत के कारण होगा बच्चा इसे हम क्या कहेंगे,
विद्युत अपघटन। तो ये ध्यान दीजिए बच्चा, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया किसके कारण हो रही, उष्मा के कारण, तो उष्मीय अपघटन। अगर यही बच्चा प्रकाश के कारण हो रही, प्रकाशीय अपघटन। और यही किसके कारण विद्युत कारण होते, उसे हम क्या कहें, विद्युत अपघटन कहें। और इसके बच्चे हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका वियोजन अपक्रिया क्या बच्चा, हेडिंग लगा लेते हैं आपका वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया क्या बच्चा, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारकों के कारण जैसे बच्चा क्या, उष्मा, प्रकाश, विद्युत। उष्मा, प्रकाश, विद्युत के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे आप ध्यान दीजिए, जैसे हमने क्या लिया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिया बच्चा CaCO3। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, गर्म किया। या तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डेल्टा का साइन बना सकते हैं, या तो लिखिए गर्म करना, डेल्टा नहीं है, या बच्चा लिख दीजिए गर्म। तो जब ऐसे गर्म करेंगे तो एक कैल्शियम बच्चा एक ऑक्सीजन को लेकर निकला तो क्या बना दिया आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। और बच्चा क्या, अच्छा एक कार्बन बच्चा दो ऑक्सीजन तो क्या बन गया बच्चा आपका CO2। तो ये क्या बच्चा, ताप के कारण यह अपक्रिया हुई, उष्मा के कारण बच्चा, किसके कारण, उष्मा के कारण। इसे हम क्या कहेंगे, उष्मीय अपघटन। और ये अपघटन अपक्रिया हुई है तो इसे हम चाहे वियोजन अपक्रिया कहिए और क्या कहिए जाए तो बच्चा अपघटन अपक्रिया कहिए। अब दूसरा क्या बच्चा, दूसरा क्या है आपका, हम प्रकाशीय अपघटन। अब प्रकाशीय अपघटन क्या होता है बच्चा, इसको आओ हम जाने। तो उष्मीय अपघटन की बच्चा हम डिफिनेशन लिख लें तो इसके आगे हम बता देते हैं आपको। उष्मीय अपघटन क्या है, उष्मीय अपघटन तो क्या बच्चा, वह अपघटन अपक्रिया जो किसके कारण हो, उष्मा के कारण हो। तो इसे हम क्या लिखेंगे, वह अपघटन अपक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया जो उष्मा के कारण होती है उसे उ
उसमें अवघटन, अभिक्रिया कहते हैं। तो इतनी बातें बच्चों आप ध्यान रखिएगा, और इसके एग्जाम्पल बच्चा हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है, उसमें अवघटन का बच्चों हमने एग्जाम्पल कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। हो बच्चों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को बच्चा क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।